पकड़ना पकड़ना, यहाँ से पकड़ना भाई। ये देखें, ये है चिंकी और पिंकी, ये हमारी जोड़ी है चिंकी पिंकी की। वाओ जबरदस्त, ये दूर से इसीलिए मैं देख रही थी, साथ क्यों लेकर आ रहे हैं, इनकी जोड़ी बनी हुई है, इनकी जोड़ी बनी हुई है, दोनों बहनें हैं। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, देखें आराम से आएगा। आप हम औरंगजेब को देख लें, आप क्लोज करके जरा देखें। बिल्कुल जो है ना, ये पंच फेस में गुस्से में लग रही है। बकायदा गोल मटोल, प्योर ऑर्गेनिक वनडे में पला हुआ गोल मटोल बछड़ा है। ये तो शपाटर लग रहा है। नहीं, ये शपाटर नहीं है, बहुत प्यारी चीज है। प्यारी ये प्राइस रेंज ये है कि जो शौकीन आएगा दिल से मांगेगा, दिल से देंगे, इज्जत करेगा, हम उसकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। सही है भाई, ये एक और आ गया भाई। ये देखें इस बछड़े की खूबसूरती देखें, अल्लाह पाक की खूबसूरती देखें। माशाल्लाह, इधर देखें, एक साइड पे जो है इसके चश्मा आ रहा है और एक साइड जो है इसकी गुलाबी एक कच्ची आंख में। ठीक है, ये है बाऊजी, कैटल फार्म के बाऊजी। बाऊजी ये है बाऊजी। हाँ, ये है बाऊजी। फाइनली बाऊजी, ये हमारे फार्म का जो है सबसे भारी बछड़ा है। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मेहनत हुई हुई इसके ऊपर, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। ये देखें क्या बात है, क्या बात, ये बछड़ा देखें आप, बलाई चेक करें, बिल्कुल दो दांत में ऐसी बलाई है, ये देखें दो दांत है बिल्कुल। ये देखें क्या बात है, इस बछड़े की खूबसूरती देखें, इस बछड़े का हुस्न ये है कि ये ब्राह्मण नस्ल कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ मौजूद हैं कामिल और मैं मौजूद हूँ हीरा के साथ। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? हम यहीं पर ही, हमारे आप जानवर देखें माशाल्लाह, जिस तरीके से हम खुद मक्खन खाते हैं और उसी तरीके से हम अपने जानवरों को मक्खन भी खिलाते हैं। कितने शौक से खा रहा है वो, देखें माशाल्लाह से, ये हमारे बच्चों की तरह। कामिल भाई, ये मक्खन क्या यहाँ स्पेशल तैयार होता है? मक्खन स्पेशल तैयार नहीं होता, एक कराची की मशहूर दुकान है, वो ब्रांडेड मक्खन हम यूज करते हैं, लेकिन नाम लेने, नाम ले लूं? नहीं 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 नहीं, प्रमोशन हो जाएगी भाई। अरे डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, बड़ा मसला है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। क्या बात है, वो देखें मक्खन भाई, ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, देसी पेड़े, ये पेड़े खिलाते हैं हम अपने जानवरों को, लोग कहते हैं हम खिलाते हैं भाई, बाकायदा हम खिलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई देखें इस तरीके से खिलाए जाते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम खिलाते हैं, और माशाल्लाह से जिस तरीके से हम अपना ख्याल रखते हैं उसी तरीके से अपने जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। क्या कहते हैं कामिल भाई? बिल्कुल, क्योंकि ये कुर्बानी का जानवर है, ये दुआ करता है इंसान के लिए। Exactly, सही है। और ये माशाल्लाह आप देख रही होंगी हमारे पेड़ों को जो साइज है माशाल्लाह से, ये अच्छा, एक एक पाव के जो हमारे पेड़ है, एक बॉल के हिसाब से हमारा साइज है। बिल्कुल, एक जानवर को मेरे ख्याल में 1 किलो डेली खिलाया जाता है, डेली 1 किलो खिलाया जाता है, जानवर के साइज के हिसाब से, कि किसी को 3 किलो, किसी को 4 किलो, किसी को 1 किलो, ये जो है 1 किलो है। सही, मक्खन के साथ और क्या क्या है? मक्खन के साथ हम जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक वनडे पे हमारे जानवर पले हुए होते हैं, गंदुम होती है, चना अट्टी होती है, दलिया होता है, चोकर होता है, बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी होती हैं, सरसों का तेल दिया जाता है, वफन वफन अचार वगैरह, ये जो भी है इनको मौसम के हिसाब से दिया जाता है। सही सही। उस्मान भाई आप क्या कहेंगे, आपको भी मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप बड़ा देख रहे थे, आपको भी बहुत पहचान है जानवरों की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत होनी चाहिए और ये भी अल्लाह की मखलूक है, और स्पेशली ये इंसानों से ज़्यादा इनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम होता है इन्होंने आके कुर्बान होना होता है, हम लोगों की जगह पे ये लोग कुर्बान हो रहे होते हैं माशाल्लाह से, और जानवरों से मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की मखलूक है बेहतरीन सी, तो देखिए शौक तो भी शौक होता है ना। और आप अभी इशारे भी कर रहे थे, वो भाग के आ रहा था बड़ा आपका देख के और उधर मुड़ गया बिल्कुल जहाँ आपने इशारा किया, मैंने कहा इनसे सीखना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। देखें आपने ट्रैफिक वार्डन तो देखे होंगे, हम जानवरों के वार्डन हैं, हमसे इशारा करते हैं वो चले जाते हैं। ये काम भी करते हैं, ये पार्ट टाइम है? नहीं ये फुल टाइम नहीं नहीं फुल टाइम है, असल में फुल टाइम है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आज ये आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे फार्म पे आए हैं, तो इस वजह से आज हमने इनको बुलाया। आपको हम हमेशा स्क्रीन में देखते थे और आज हम मिल भी लिए, बड़ी खुशकिस्मती है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनकी कॉल आई कि क्या कहा, मैंने कहा मैं फार्म पे हूँ, इनका मैं आ रहा हूँ, आ जाएं। इनको देख के हमेशा डॉक्टर साहब की याद आती है और उनकी कमी पूरी हो जाती है कि हाँ भाई कोई तो है, अल्टरनेट तो नहीं कह सकते, उनका तो नहीं कोई भी जगह ले सकता। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब तो एक वसी समंदर थे, डॉक्टर साहब इल्म का समंदर थे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और डॉक्टर साहब के अंदाज में जरा बछड़े की तारीफ हो जाए, देखिए माशाल्लाह से, ये आप देखिए हमारा राजू कितना हसीन है, ये मक्खन खाता है भाई, अरे वाह, मक्खन खाता है, अगर आपको चाहिए
तो सबसे पहले हमारे पास बाऊजी कैटल फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वरना हमारे कामिल भाई बच्चे हैं, मक्खन वाले बच्चे हैं, ये है कराची के बच्चे, मक्खन वाले बच्चे, ये बच्चे चिकने चिकने, ऐसे चिकने बच्चे हैं भाई। भाई अभी एक और आपको हम दिखा रहे हैं, आप सब कहें माशाल्लाह। ये हमारे भाई आर के कैटल फार्म का है, ये रियान भाई का। अरे उसको लाना भी कितना मुश्किल। अरे कोई मुश्किल नहीं है, देखें आराम से आएगा। आप हर चीज, ये हमारे रियान भाई हैं आर के कैटल फार्म के ऑनर। और तो क्या बात है, इनके कैटल फार्म में आओ तो हर तरह का जानवर, और ये मेरे ख्याल में हमने लास्ट ईयर भी देखा था, और माशाल्लाह ये तो पहचाना ही नहीं जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये अपनी मिसाल आप है। आप इनको देखें कितनी कितनी मेहनत हुई भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरती में, खिलाने में, पिलाने में, हर चीज में आला है माशाल्लाह। ये मक्खन खिलाया जा रहा है, ये आप ये देखें कि ये जो मक्खन खा रहा है ना, ये खड़े होकर, इसके मतलब है इसकी आदत है, ये हर वक्त खाने की। अगर ये नहीं खाता और ये तंग करता तो समझ लें कि वो नहीं खा रहा, तो इसलिए वीडियो देख के नहीं खिला रहे, ये इसकी रोजाना की हॉबी है, खाता है। अच्छा एक चीज बताते चलो नाजरीन को, कि इस वक्त जो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से जो छोटे बच्चे हैं वो जानवर को आसानी से घुमा सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे जो जानवर है ये बिल्कुल ही फ्रेंडली है हमारे सारे जानवर माशाल्लाह हमारे कैटल फार्म्स के, और जब आप यहाँ पर आएंगे इसको लेकर जाएंगे तो आपके घर में भी माशाल्लाह से इस तरीके से रहेंगे और बड़ा ही प्यार करते रहेंगे आप लोगों के साथ। आप जो है वो छोटा से छोटा बड़ा माल भी जो है ना, बड़ा जानवर भी, वो भी इतना लाड प्यार से है कि छोटे से छोटा बच्चा इसको घुमा सकता है। ये इसको रस्सी छोड़ी हुई है, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल आप ये इसकी ये देख लें कि यहाँ से इसको आगे चलने की आदत नहीं है, ये बस इसको प्यार करते जाओ ये खड़ा हो जाएगा, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं ये माशाल्लाह जो है ये हमारे बंदे हैं माशाल्लाह, बेसिकली देखें हम तो मेहनत अपनी तरफ से करते हैं, ये लोग अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत दिखे में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बस ये जानवर दिखा देता है आपको, तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये जानवर दिखाता है कि भाई मैं क्या पलावा हूँ क्या करा। सही, तो ये भी है ना रेहान भाई, ये सेल हो गया ये? नहीं नहीं नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना शौक का, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोका हुआ, जबरदस्ती जबरदस्ती रोका हुआ, दिल नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा देने का, इसको जबरदस्ती रोका हुआ, इसको कोई देखे और ले ना, यहाँ पे कितने शौकीन लोग आते हैं, ये इधर बहुत ज्यादा शौकीन आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उसने खा लिया और वो जा रहा है आराम से। हाँ भाई उसकी आदत पूरी हो गई ना, उसने बोला खा लिया, उसने हाथ हटा दिया, उसने बोला बस अपनी जगह पे जाऊं मैं। जी कामिल भाई, बाऊजी कैटल फार्म में वैसे आपको बताती चलूं, यहाँ पे एक से एक बछड़ा मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपको मिलेगा। तो कामिल भाई बताएं, ये चार भी आप लेकर आए हैं अभी? ये चार हमारे असल में, ये जो चार बने में इसमें से एक सोल्ड आउट है हमारा, बाकी पांच बने में एक सोल्ड आउट है, ठीक, और चार जो है वो सोल्ड के लिए है, ठीक है, मतलब के बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दे देंगे। ये ऐसे बछड़े हैं, ये आपको ये जो अभी दो लेकर आ रहे हैं, क्या बात, ये वाले बछड़े आपको 4-4 लाख रुपए में दे देंगे। हाँ ये जोड़ी है 68 लाख में मिल जाएंगे, 4-4 लाख रुपए, 4-4 लाख में, ठीक है, 4-4 लाख में, सॉरी सॉरी मुझे पकड़ के सुनने में तो। अच्छा ये नस्ल कौन सी, मुझे ये बताएं। ये चोलिस्तानी नस्ल है, चोलिस्तानी नस्ल है माशाल्लाह। इनके हम्प चेक करें आप, इसका चेक करें, ये बच्चा देखें आप, पलाई चेक करें, सलामी चेक करें इस बच्चे की, वो तो हमने देखें, खिलाते पिलाते हैं इनको माशाल्लाह, मक्खन ऑर्गेनिक वनडे पे जो है ना ये पलाई हुई भी है इसकी, क्या बात है, जबरदस्त चोलिस्तानी बछड़े हैं ये। कुर्बानी लवर जो भी आएगा इंशाल्लाह उसके साथ बहुत कोऑपरेट किया जाएगा, सही, और बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में दिया जाएगा, जो शौक से मोहब्बत से प्यार से मांगेगा इंशाल्लाह उसको खाली हाथ नहीं जाने सही, देंगे। सही। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि आप जो लवर्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कि वो अगर आएंगे शौकीन लोग होंगे वो पहचाने जाते हैं। जाहिर सी बात है जो शौकीन लोग होते हैं ना वही चीज को पहचानते हैं कि ये चीज क्या है। चलें जी एक और खूबसूरत आ गया, ये बछड़ा आपको 5 लाख रुपए में दिया जाए, 5 लाख में, हाँ ऑफर लगा दी बस, ऑफर लग गई है भाई, ऑफर लग चुकी है, ये 5 लाख रुपए में सेल किया, 5 लाख रुपए में मेरा चैलेंज है पूरे कराची में कोई नहीं मिलेगा। सही सही, पांच फेस में है, मरियम औरंगजेब इसका नाम है। अच्छा भाई मरियम औरंगजेब को देख लें आप, क्लोज करके जरा देखें, बिल्कुल जो है ना ये पांच फेस में है, गुस्से में लग रही है, बकायदा गोल मटोल प्योर ऑर्गेनिक वनडे में पला हुआ गोल मटोल बछड़ा है। वाओ कामिल भाई ये तो शपाटर लग रहा है। नहीं ये शपाटर नहीं है, बहुत प्यारी चीज है, प्यारी ये माशाल्लाह नस्ल में देखें भरपूर है, बिल्कुल, और खूबसूरती में, हुस्न में,
माशाल्लाह ब्लैक अब लक में बछड़ा आ रहा है, झालर देखें इसकी नाफा माशाल्लाह से पता है रैंप में आके मुझे खड़ा होना है, रैंप पे आके खड़ा होना है, देखें कैसे प्रोटोकॉल से आगे बछड़ा खड़ा हुआ है कि मुझे यहाँ आगे वो लेना है, बाकायदा ट्रेन बछड़ा है ये। सही सही सही। और ये जो संभाल रहे हैं माशाल्लाह इनकी मेहनत, माशाल्लाह इन लोगों की हमसे ज्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत है। अब इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी प्राइस रेंज ये है कि जो शौकीन आएगा दिल से मांगेगा दिल से देंगे, शौकीन होना जरूरी है, लवर होना चाहिए, कुर्बानी लवर होगा सही, वो दिल से मांगेगा, माल की इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। सही है भाई, एक और आ गया भैया, देखें इस बछड़े की खूबसूरती देखें, अल्लाह पाक की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह। इधर देखें एक साइड पे जो है इसके चश्मा आ रहा है और एक साइड जो है इसकी गुलाबी एक कच्ची आंख में, ठीक है जबरदस्त। अच्छा ये खूबसूरत, हर बछड़े में कोई ना कोई खासियत है, हर बछड़ा अपनी मिसाल, आप ये नगीने ढूंढने में बहुत प्यार से जमा किए हैं। ये देखें जी, ये देखें बच्चा कैसा पिंक हो रहा है बिल्कुल, ये भी कोई प्यार से मांगेगा, इज्जत से मांगेगा, दिल से मांगेगा उसको देंगे, उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ये है बाऊजी कैटल फार्म के बाऊजी, बाऊजी है ये, है बाऊजी, ये है बाऊजी, फाइनली बाऊजी, ये हमारे फार्म का जो है सबसे भारी बछड़ा है, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मेहनत हुई हुई इसके ऊपर, क्या बात है, इस नस्ल में, ये नस्ल कौन सी है कामिल भाई? और इससे भारी भारी बछड़े हमारे पास मौजूद है, फुल इस नस्ल में बेहतरीन बच्चा है ये, इसकी ग्रेस आप देखें, इसका झालर देखें, इसका आप खड़े होने का अंदाज देखें, इसका रूप देखें, आप बिल्कुल पलाई बता रही है कि मैं पलाई हुई भी एकदम, आप देखें चेक करें इसकी चाल देखें, जबरदस्त, काफी एटिकेट सिखाए इनको, इधर उधर नहीं होना इन्होंने, इधर उधर नहीं होना। ये देखें ये जो बछड़ा आया ये माशाल्लाह, ये हमारे बहुत ही दिल के करीब, बहुत ही प्यारा हौसम वाला बछड़ा है, आप देखें पूरा व्हाइट है, आंखें देखें इसकी, आंखें थोड़ी सी पिछली आंखें बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल व्हाइट है, सलामी देखें इस बच्चे की, हाइट चेक करें जबरदस्त, हम चेक करें इतना खूबसूरत है, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, ये देखें क्या बात है, क्या बात, ये बछड़ा देखें आप, पलाई चेक करें बिल्कुल, दो दांत में ऐसी पलाई है, ये देखें दो दांत बिल्कुल, हालांकि दो दांत में इतना अगर नॉर्मली ढूंढने के लिए जाएं तो वो छोटे छोटे से हमें नजर आते हैं, नस्ल वाले बच्चे हैं सारे और बेहतरीन मेहनत हुई भी इन पे, हम दिन को दिन नहीं देखते, रात को रात नहीं देखते यहाँ पे, ये देखें क्या बात है, इस बछड़े की खूबसूरती देखें, इस बछड़े का हुस्न ये है कि ये ब्राह्मण नस्ल कहलाती है, और अभी ये है अंडर एज है, ये खीरा है, खीरा है मतलब दो दांत नहीं है, दो दांत नहीं हुआ अभी, तो ये अभी ही इतना माशाल्लाह खीरा हमारे पास, क्या बात है, अभी ये खीरा है, और जब ये तैयार हो जाएगा और ज्यादा, ये तो फिर माशाल्लाह फिर अल्लाह की तारीफ होगी, सही, तो मेरे ख्याल में अगले साल के लिए होगा ये तो, जी ये अगले साल के लिए, कोई शौकीन ही लेके जाएगा, शौकीन ही लेके जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शौक करने वाली चीज है, इस पे अगले साल शौक करे बंदा, लेके जाए दो तीन साल इस पे शौक करे, सही जबरदस्त भाई, यहाँ पे आपको एक से एक जानवर नजर आएंगे, मेरा तो दिल खुश हो गया कि कितने प्यार से यहाँ पे जानवरों को रखा गया है, मेरा भी कुछ कुछ डर निकल गया इन लोगों को देख के, देखें आप जो बछड़ा आ रहा है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ तो इसकी हाइट चेक कीजिएगा, हाइट कैसी है, ये आ गया इसकी हाइट, वाव वाव जबरदस्त, आप ये देखें मैं अभी इसके साथ खड़ा होता हूँ, हाइट चेक करें इसकी, हाइट चेक कर, क्या बात है, इसको क्लोज करके थोड़ा सा जरा लें, चले भी आ गए, देखिए जी शौक हो तो ऐसा हो, नवीद भाई को और कामिल भाई को, हम खुद घूम रहे होते थे ना कैटल फार्म से, कमाल कर दिया इस साल बाऊजी कैटल फार्म ने, और आरजे कैटल फार्म के भी आपको जानवर हमने दिखाए हैं, उनसे भी मिलवाया, अब इसका बताइए, इसके जो कोई आके पूछेगा तो उसको बताएंगे, और इंशाल्लाह इसको भी प्यार से मोहब्बत से अच्छे रेटों में देंगे, सही सही जबरदस्त, क्या बात है, मजे की बात ये है कि बहुत शरीफ, मतलब इजीली मेरा भी डर खत्म हो गया, मैं इजीली कैरी होने वाला है, आप भी आ जाएं कोई मसला नहीं है, आ जाएं कुछ नहीं करेगा, पकड़ सकती हूँ मैं भी, हाँ पकड़ लें यहाँ से पकड़ लें,
अच्छा कामिल मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बहुत अच्छी रेंज आपने दिखाई, और भी बहुत सारे जानवर हैं, वो जो दिखाने शुरू करेंगे तो पूरी पूरा दिन लग जाएगा। आपके पास मिनिमम कितने जानवर? हमारे पास 40 के करीब जो जानवर हैं। ठीक, 40-42 के करीब हमारे पास जानवर हैं, और ये थोड़ी सी हैवी कैटेगरी है, ये वाली जो है माशाल्लाह जरा जो और शौकीन भारी भरकम जानवर जिन्हें चाहिए पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है अल्लाह ने उनको दिया भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है वो लोग ऐसी कुर्बानी करते हैं जो अच्छी कुर्बानी वाले हैं, और कुर्बानी तो खैर सारी अच्छी होती है, लेकिन जो माशाल्लाह से जो है अच्छी रेंज में कुर्बानी करने वाले, लोग कहते हैं लोगों का कॉन्सेप्ट अब ये हो गया कि अच्छी से अच्छी जितना अच्छा जानवर हम दे सके कुर्बानी के लिए, अल्लाह पाक की राह में हम देंगे कुर्बानी तो फिर अल्लाह पाक उसी हिसाब से लुटाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये थोड़ी सी हैवी रेंज है, ठीक है, ये माशाल्लाह से बछड़े देखें, ये गुलाइयां वाला है, क्या बात है जबरदस्त, यहाँ से अगर हाँ वाकई ये वाकई अलग ही लग रहे हैं, अलावा यहाँ से जो है ना ये आगे से थोड़ी सी मिड रेंज स्टार्ट हो रही है हमारे पास, सही, ये नॉर्मल रेंज का है, मिड रेंज का ये थोड़ी सी लो कैटेगरी का, ये जो 5-5 लाख रुपए के 4-4 लाख रुपए के इसमें बच्चे मिक्स है, मिक्स है, जो भी आएंगे तो उनसे प्यार मोहब्बत कर लिया जाएगा, सही सही जबरदस्त हो गया, सही है, 4-4, 5-5 से स्टार्ट है, और फिर ज्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जा चेक करें आप बस, वाओ प्रिंट चेक करें, प्रिंट एक नंबर प्रिंट है, बिल्कुल कोई धब्बा नहीं, कोई कोट से, और खिलाई पिलाई तो माशाल्लाह हमने देख ली है, आपने देख ली है फार्म की, हमारे शाइन चेक करें, शाइन कैसी आ रही है, शाइन आपको पता है किस क्या खिलाई से आती है, तो ये मक्खन खिलाया जाता है यहाँ पे, दूध मक्खन पे सारी चीजें, दूध दही मक्खन दिया जाता है इनको, देखें माशाल्लाह से बछड़ा चेक करें, जबरदस्त, जो लोग शौकीन होंगे वो तो देख देख के पहचान जाते हैं। तो भाई आप लोगों ने अगर ऐसे खूबसूरत जानवर लेने हैं तो याद रखिएगा बाउजी कैटल फार्म, बाउजी कैटल काफी सेल आउट हो चुके हैं अभी, हालांकि माशाल्लाह से 9 जानवर हमारे सेल आउट सेल हो चुके हैं, और भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से हम फार्म से ही अपना माल भेज दें, क्योंकि फार्म से माल अगर बिक जाता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, यहाँ से और भी फायदा होगा, ठीक है, यहाँ से और जाएंगे, यहाँ से मंडी भी जाना है, मंडी जाना है, ठीक है, मंडी जाना, लेकिन अगर यहाँ से कोई ले लेता तो उसके लिए बेनिफिट ये होगा, वहाँ पे जरा एक्सपेंसिव और हो जाएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़े से अखराजात बढ़ जाते हैं, तो वो कॉस्ट जाहिर सी बात है हमें जानवर भी डालनी पड़ती है, यहाँ पे भी रीजनेबल है भाई, अगर आप लोगों ने लेने कुर्बानी के जानवर तो अभी यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, यहाँ की लोकेशन आप बताएं जो यहाँ पे, यहाँ की लोकेशन है नियर वादी हुसैन कब्रिस्तान, और उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे जो है ना 2 टैंक आते हैं, ठीक, उसके साथ ही सिम्बा किंगडम के लिए गली जा रही है, बड़ी मशहूर गली है, जी जी जी, ठीक, उसी गली में अगर आप आ जाएंगे तो जो है ना दूसरा फार्म है, दूसरा फार्म है ये, जी जबरदस्त, दूसरा फार्म है हमारा, सही, तो काम ही व्हाट्सएप नंबर दे दें आप, ताकि आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपकी चल रहा है, सही, उसी स्क्रीन पे मुझसे कोई भी रابطہ करें, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, फिर वो आए खुद आके देखेंगे तो आप खुद आके देखेंगे, तसल्ली करें, बच्चों को लेकर आए, फैमिली को लेकर आए, उनको दिखाएं, तसल्ली करें और अपना जानवर लेके, तो कोई भी आए और यहाँ से अपनी प्राइस रेंज के मुताबिक जानवर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बकरे नहीं है आपके पास, बड़े जानवर, बड़े जानवर, बछड़े मिलेंगे यहाँ पे, तो आप लोग जरूर आए, बाउजी कैटल फार्म को याद रखिएगा, क्योंकि इस साल बहुत जबरदस्त रेंज है इनके पास और बहुत प्यारे जानवर है, और मजे की बात के जिसमें महंगाई का दौर चल रहा है उसमें जो है ऐसे खूबसूरत जानवर और इस प्राइस रेंज में आपको मिलना मुश्किल है, तो डिटेल पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, स्क्रीन में नंबर मिलेगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रिप्लाई करने में अगर देर सवेर हो जाए तो वो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ जरा वेट कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम ऐसा है कि सबको जानवर चाहिए होते हैं और सब कहते हैं हमें अच्छे से अच्छा जानवर मिल जाए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छा जानवर मिले तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करें, यहाँ आप लोग आ सकते हैं, इनकी लोकेशन भी मिलेगी, नंबर भी मिलेगा, तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं भी देखिए रात हो गई है, दिन में हम लोग आए थे और इतना खुश हुए यहाँ पे आके, अभी दिल नहीं कर रहा जाने का, तो बस यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह आती हूँ दोबारा किसी और अच्छी वीडियो में और इन्हीं की अपडेट लेके दोबारा आऊंगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।